स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर सपने में पितर आते हैं तो वह कई शुभ व अशुभ संकेत देते हैं। आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं सपनों में पितर का आना किस बात का संकेत है। पितर हमारे जो पूर्वज हैं वो पितर बन जाते हैं। कहते हैं कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो देव उनकी कृपा को बाध्य करते हैं, और जब देव प्रसन्न होते हैं तो पितृ उनकी कृपा को बाध्य करते हैं। इसलिए पितरुओं का प्रसन्न होना हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। हमारे पूर्वज हमारे पितृ हमसे आशा लगाए बैठते हैं कि यह हमारा उद्धार करेंगे, यह हमें मोक्ष प्रदान करेंगे, यह हमें गति प्रदान करेंगे। अब हमें इसका संकेत कैसे प्राप्त हो, कैसे हम समझें कि हमारे पूर्वज हमसे क्या चाहते हैं या हमारे पूर्वज हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, इसे कई बार वह स्वप्न में संकेत देते हैं। उनके स्वप्न के संकेत को हमें समझना चाहिए। इसमें यदि पूर्वज हमारे पितृ हमारे सिराने खड़े हुए हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारा कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, कुछ शुभ घर में होने वाला है। वही पूर्वज यदि पैरों के वहाँ स्वप्न में खड़े दिखाई दें तो कुछ हानि होने वाली, अनिष्ट होने वाला है। यदि पूर्वज मिठाई बांटते हुए दिख रहे हैं, किसी को कुछ देते हुए दिख रहे हैं तो हमारे घर में कोई खुशी आने वाली, कोई प्रसन्नता का समाचार हमें प्राप्त होने वाला है। वही पूर्वज यदि गुमसुम उदास बैठे हैं तो हमें समझना चाहिए कि अब हमारे को संभल के चलना चाहिए, हमें कोई साजिश में कोई परेशानी में घेरने वाला व्यक्ति ऐसा मिलने वाला है। वही पूर्वज यदि मंदिरों में दर्शन करते हमें दर्शन कराते या तीर्थ में स्नान करते दिखाई दे तो यह जान लेना चाहिए कि अब हम उनके नाम से कहीं गंगा स्नान कहीं तीर्थ स्थान पर जाएं और उन्हें पुण्य की आवश्यकता है, उन्हें हम पुण्य प्रदान करें, हम उन्हें अर्घ्य प्रदान करें, हम उन्हें पिंड दान प्रदान करें।